हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लास्ट एपिसोड की शुरुआत में यूचंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन टाइम डिफरेंस की वजह से लोना और यूचंग एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर पाते आज ब्रेकफास्ट के दौरान यूचंग लोना का वीचर देख रहा होता है लूना ने अपने नए स्टूडेंट्स के साथ पिक्चर्स पोस्ट की होती है यूचंग लोना से पूछता है की ये कौन है तो लोना कहती है की ये नया स्टूडेंट है मैंने तुम्हें कई बार इस बारे में बताया है यूचंग यही मैसेज ऊँची ऊँची पढ़ रहा होता है ये नोटिस ही नहीं करता की लोना के डेट भी पर बैठे हुए हैं लूना के डैड यूचन से कहते हैं की तुम ही रह गए हो क्या तुम्हे अपना ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं करना योजन जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है और यहाँ से चला जाता है अब ट्रेनिंग के दौरान योचन टाइम देखता है तो ये कोच से कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है कोच इसको जाने देते हैं यूजन साइड पर आकर लूना को वीडियो कॉल कर रहा होता है इतने में ही लूना के डैड यहाँ पर आ जाते हैं यूचन लूना के डैड को देख कर डर जाता है लूना के डैड गुस्से में यूचन से कहते हैं कि तुम मुझे अपना फोन दे दो यूज जब अपना फोन लूना के डैड को दे रहा होता है तो लूना की कॉल आ जाती है युचन कहते हैं कि क्या मैं ये कॉल कर सकता हूँ लूना की डेड कहते हैं कि अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करना चाहते तो तुम अपना सामान पैक करके घर जा सकते हो ये सुनकर योचन फोन छोड़ देता है लूना के डेड इसकी कॉल काट कर कहते हैं कि अगर तुम उस स्टैंडर्ड को रीच नहीं कर पाए जो मैंने तुम्हारे लिए फिक्स किया है तो फिर तुम लूना से मिलने के बारे में भी भूल जाओ वो भी अपनी सारी जिंदगी के लिए ये कह कहकर लूना के डेट यहाँ से चले जाते हैं योचन कहता है की ये आप डिसाइड नहीं करेंगे सुन कर लूना के डेट वापिस आते हैं कहते हैं की मैं उसका डेड हूँ तुम ट्राई कर सकते हो मैं भी देखता हूँ कि वो किसकी बात सुनती है कि डेट की बातों ने यूचन को बहुत अपसेट कर दिया होता इसलिए है इसलिए यहीं पर बैठ जाता है लोना अपने डेट पर गुस्सा कर रही होती है की आप उसका फोन कैसे ले सकते हैं हम पहले ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं अगर हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे क्या इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे डेट उसे में कहते हैं मैं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा आखिर तुम्हें एक ऐसे लड़के ऐसी क्यों शादी करनी है जिसको अपनी प्रायोरिटीज का ही नहीं पता मैं तुम्हें सारी जिंदगी के लिए सपोर्ट कर सकता हूँ लोना कहती है की मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है लोना की डेट कहते हैं सिर्फ तुम्हारी वजह ऐसी योचन मेरे फिक्स स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पा रहा ये कहकर गुस्से में लूना के डेड कॉल बंद कर देते हैं अब यूचन के पास एक दूसरा फोन होता है जिससे ये चुपके से लूना को कॉल करता है लूना लोना से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो यूचन कहता है कि तुम आहिस्ता बोलो मैंने ये नेबर से फोन लिया है यूचन लूना से कहता है कि तुम सिर्फ कुछ दिन इंतजार करो मैं तुम्हारे डैड को बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिखाऊंगा लूना यूचन से गुस्से में कहती है कि जब तक तुम मेरे डैड के फिक्स किए गए तक नहीं पहुँच जाते तब तक मुझे कॉल नहीं करना यूचन कहते है कि क्या तुम वाकई में ऐसा करने के लिए कह रही हो लूना कहती है की हाँ क्योंकि अगर तुम फेल हो गए तो तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगे ये कहकर लोना कॉल बंद कर देती है यूचन इसके बाद भी लूना को कॉल करता है लेकिन लूना किसी कॉल का भी जवाब नहीं देती लूना भी काफी अपसेट होती है अपनी मॉम को मैसेज करती है की क्या आप फोन यूचन को दे सकती है मुझे उससे बात करनी है अब लूना की मॉम यूचन के पास आकर कहती है की लूना तुम बात करना चाहती है मॉम कहती है की तुम जल्दी करना की कहीं नूना के डेट को पता न चल जाए लूना यूचन ऐसी कहती की हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है अगर तुम डिसअपॉइंट होकर वापस नहीं आना चाहते तो तुम्हे मेरे डैड की बात मानते हुए ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा लोना योजन से कहती है कि मैं हर रोज तुम्हें तो बहुत मिस करती हूँ लेकिन चूँकी हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है तो हमें इस फैसले को सपोर्ट करने के लिए एफर्ट्स भी करनी होंगी योजन कहते हैं की मुझे समझ आ गई है अब से मैं ट्रेनिंग पर अपनी पूरी मेहनत करूंगा अब तीन महीने बाद का दिखाया जाता है लोना के डैड ने योचंग के लिए टू ट्वेंटी फाइव मीटर्स का बार सेट किया होता है और योचंग अपनी फर्स्ट रैंक में ही इस बार को पास कर लेता है योचंग इस पर बहुत ज्यादा खुश होता है और लोना के डैड भी आज खुश दिखाई दे रहे होते हैं जैसे यो चंग लूना के डैड के पास आता है तो लूना के डैड इसको उसका फोन वापस कर देते हैं यो चंग लूना के डैड को इसके लिए थैंक्स बोलता है अब योचन लोना को कॉल करता है लूना को बहुत खुशी होती है कि योचक को फोन वापस मिल गया है अब योचन लोना को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा होता है लूना इसके अचीवमेंट्स को सुनकर बहुत खुश हो रही होती है योचन कहता है कि मेरे डियर फादर इन लॉ ने कहा है कि मैं माइल रोज कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ ये काफी पुराना कॉम्पिटिशन है जिसमे हर साल बहुत सारे ओलम्पिक चैंपियंस पार्टिसिपेट करते हैं लोना योचन को इसके अचीवमेंट्स पर कंग्रेचुलेशन कहती है योचन लोना से कहता है की आप मुझे आई लव यू कहे लूना इन सबके सामने यूचन को आई लव यू कहती है सब भी युजन से कह रहे होते हैं कि हम भी तुमसे प्यार करते हैं तो योजन हंसते हुए कहते हैं कि मुझे तुम लोगों के प्यार की जरूरत नहीं है युचंग लूना से कहते है कि आप मुझसे प्यार करते हैं मेरे लिए यही काफी है ऐसे योजन और लूना एक दूसरे से बातें करते रहते हैं अब योजन का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया होता है ये सब लोग योजन का कॉम्पिटिशन देख रहे होते हैं योजन अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में टू पॉइंट मीटर का बार पास कर लेता है ये देख कर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं अब लूना के डेट यूचंग के पास ड्रिंक लेकर आते हैं योजन कहते है कि लूना ने आपको कहा है कि आपको ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए तो लूना के डेट कहते हैं कि ये तुम्हारा सेलिब्रेशन डिनर है तो आज मैं ये रूल तोड़ सकता हूँ अब यहाँ पर लूना की मॉम भी आ जाती है लूना की डेट कहते हैं की तुम्हें क्या लगता है की हम जैसे एथलीट के लिए सबसे ज्यादा अहम क्या होता है योजन इस बारे में सोच ही रहा होता है कि की लूना के डेट कहते हैं की सबसे अहम बात यह है की कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए चाहे चैलेंजेस जितने मर्जी मुश्किल हो हमारे अंदर उनको ओवरकम करने की एबिलिटी है हम अपने स्ट्रोंग विल के साथ ही कोई चीज अचीव कर सकते हैं योजन से कहते हैं कि मैं इसी तरह से लूना को टीच करता रहा हूँ जब लूना किसी मुश्किल की वजह से रोया करती थी तो मैं कभी भी उसको कंफर्ट नहीं किया करता था क्योंकि मैं लूना को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि लड़कियों को प्यार से ट्रीट करना चाहिए तब जाकर वो ज्यादा स्ट्रांग बनती हैं लेकिन मुझे ये सबक सीखने में बहुत देर लग गई अब मेरी बेटी बड़ी हो गई और उसको मेरी जरूरत नहीं है लेकिन खुशी इस बात की है की अब हमारे पास तुम हो योचंग फिक्र नहीं करे मैं लूना को बहुत अच्छे ऐसी ट्रीट करूंगा लूना की डेट कहते हैं की मुझे कोई शक नहीं है इस बात आरोप योचंग कहते हैं की अगर आप लोग लूना के क्लोज आना चाहते हैं तो ये उतना मुश्किल भी नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं अब योचंग लूना के मोम डेट को बताने लगता है की लोग किस तरह छोटे छोटे चीजों से रोना के क्लोज आ सकते हैं योजन के सजेशन सुनकर कर दुना के के मोमडेट बहुत खुश होते हैं टूना के डेट कहते हैं कि क्या तुम वापस जाने के लिए तैयार हो योजन कहता है कि मैं एक मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही यहाँ पर आया था अब वो मिस अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है और नेशनल टीम ने स्टेटमेंट भी शो कर दी है यहाँ तक की छह लो शाह ने मुझसे माफी मांगने के लिए मुझे कॉल की थी उसने कहा की वो जब मुझसे मिला था तो स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटर के तौर पर उसको मैं अच्छा नहीं लग रहा था इसी वजह से उसने मेरे बारे में रूमर्स फैलाने की कोशिश की लोना के डेड उसको बुरा भला कहते हैं तो योचन कहता है कि मैं उसको ब्लेम नहीं करता अगर ये सब कुछ नहीं होता तो मैं कभी भी हाई जंप दोबारा करने के बारे में नहीं सोचता योचन कहते हैं की मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम्पीट करने के लिए तैयार हूँ लोना के डैड कहते हैं की एक एथलीट के लिए सबसे प्राउड मोमेंट वही होता है जब वो अपनी कंट्री के लिए कम्पीट करता है योचन लूना के मोम डेड ऐसी कहता है की मैंने लूना को अपनी वापसी के बारे में नहीं बताया तो आप भी इस बात को सीक्रेट रखिएगा मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ अब योचन वापस चाइना आ जाता है और इसको लेने के लिए इसके सारे दोस्त आए होते हैं योचंग अपने दोस्तों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है अब योचंग इनके साथ मिलकर लूना से मिलने की प्लानिंग कर रहा होता है अब योचंग लूना की कॉल आ जाती तो योचंग कहता है की अब रोड में तो इस टाइम सुबह होगी लेकिन योचंग यही साइड पर बैठ जाता है लूना योचन से कहती है की आज तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो तुम्हारा फोन सुबह से बंद था तो योचंग कहता है की मैं ट्रेनिंग कर रहा था मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी मुझे चार्ज करना याद ही नहीं रहा अब लूना योचन से सवाल कर रही होती है की यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है और योचन लूना से बहाने कर रहा होता है लूना योजन से कहती की तुम्हारी फ्लाइट कब है योचन कहते है कि मैं नेक्स्ट थर्सडे आ रहा हूँ ये कहकर योजन कॉल बंद कर देता है अब यो ड्रामा करने के लिए लूना के सामने जयाशिली के साथ एयरपोर्ट आ गया होता है इसको लूना की कॉल आती है तो योचन कहते मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ लूना कहती है कि मैं भी एयरपोर्ट आ गई हूँ लूना योजन कहती है कि मैं एंट्रेंस पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ योजन बहुत नर्वस होता है क्योंकि ये लूना से सही तरह से झूठ नहीं बोल पा रहा होता चयाशिली इसको रिलैक्स करने के लिए कह रहा होता है की अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारा सारा प्लान खराब हो जाएगा अब योजना बिल्कुल नॉर्मली ही आकर लूना से मिलता है है जैसे कि अभी फ्लाइट से आया है अब योजन को लूना जब जा रहे होते हैं तो योचंग लूना से कहते हैं कि क्यों ना हम पहले यूनिवर्सिटी चलें। लूना कहती है कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहते हो योजन कहते हैं कि मैंने मिस्टर बांग से वादा किया था कि मैं उनसे मिलूंगा उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे मैं ब्रॉड से वापस आऊँ तो सबसे पहले उनसे मिलूँ वो चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस जूनियर्स के साथ शेयर करूँ लूना कहती कि तुम कल चले जाना योचन कहते है लेकिन मैंने उनसे वादा किया है लूना इसको जाने नहीं दे रही होती भी इंसिस्ट जा रहा होता है लूना ये देखकर कहती है की आखिर तुम्हें हुआ क्या है युच कहते कि कुछ भी नहीं हुआ लूना की कुछ तो हुआ है जो तुम मुझे बताने नहीं चाह रहे योचंग कहता है की सब बिल्कुल ठीक है यूचन लूना ऐसी कहता है लेकिन मुझे लगता है की फिर भी हमें जाना चाहिए क्यूँकी मैंने मिस्टर वांग ऐसी कल दोपहर को ही वादा किया था लूना कहती है की तुम किस टाइम जोन की बात करे योचंग कहता है की हमारे लूना कहती है दो तुम्हारा ये मतलब है की मिस्टर वांग तीन चार बजे जाग रहे थे सिर्फ तुम ये बात करने के लिए लूना कहती है की तुम मुझसे दोबारा झूठ बोल रहे हो योचंग कहते है मैं झूठ नहीं बोल रहा लेकिन लूना को गुस्सा आ जाता है ये युचक ऐसी कहते कि तुम यहीं पर गाड़ी रोक दो यूचन गाड़ी रोक कर लूना को बताता है की एक हफ्ता पहले ही वापस आ गया था टोना ये सुनकर हर्ट होती है और योजन से कहती है कि तुम मुझे अब सही बात बताओ यूचन कहते है कि जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है टूना कहते है की मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जो इधर उधर की बात करते हैं जो भी बात है मुझे सच सच बताओ युजन कहता है की मैं मानता हूँ की मैं बहुत ही बुरा झूठ बोलने में ये रोना को रिंग देते हुए कहता है की तुम्हें आज प्रपोज करने वाला था टूना ये सुनकर बहुत हैरान होती है और इस बॉक्स को खोलती है रिंग देखने के बाद युजन से कहती है की तुम मुझे माफ कर दो योजन कहते है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है मेरी गलती है मैंने सब कुछ खराब कर दी मैं तुम्हें तो यूनिवर्सिटी लेकर जाना चाहता था तो ना योचंग को आगे कुछ भी कहने से रोकते हुए कहती है कि क्या तुमने मेरे लिए कोई और सरप्राइज भी अरेंज किया हुआ है ये कहकर लूना योचंग से माफी मांगने लगती है योचंग लूना से कहता है कि तुम माफी नहीं मांगो ये इसको अपना प्लान बताने लगा होता था लूना यूचंग से कहती है कि तुम मुझे जहाँ पर भी लेकर जाना चाहते हो ले जाओ मैं ऐसे भी अटेंड करूँ जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम अब और लूना ने वेडिंग ड्रेस पहन लिया होता है और ये बाकी सब लोग भी इनके लिए तैयार होते हैं योचंग लूना को लेकर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर इसे सारा अरेंज किया होता है मिस्टर वांग लोना योजन से कहते हैं कि योजन की प्रपोजल सेरेमनी शुरू होती है सभी लोग इन दोनों के लिए बहुत खुश होते हैं योजन लूना को देखे जा रहा होता है तो लूना इसे पूछती की तुम क्या सोच रहे हो योजन कहते मैं उस टाइम के बारे में सोच रहा हूँ जब मैं तुम पहली दफा मिला था योजन कहते है तुम्हें ये चीज ही लगेगा लेकिन तुम मेरी लाइफ में ऐसे ही आये हो जैसे सूरज की रोशनी जमीन आरोप आती है योजन और लूना बाकी सब लोगों के साथ डांस कर रहे होते हैं योजन कहते है की मैंने तुम बहादुर लड़की आज तक नहीं देखी हमारे रिलेशनशिप में हम दोनों को बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा लेकिन एक दफा भी तुम तो डरी नहीं और हमेशा मेरा साथ दिया योजन कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं इन सबसे मिल पाया हूँ जो कि अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम्हारी वजह से मुझे ये बात मालूम है कि मेरे अंदर बहुत खामियां भी हैं लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ योजन कहते है कि मैं तुम्हें अपनी सारी जिंदगी प्यार करूंगा तुम्हें हर वक्त ये प्रटेंड करने की जरूरत नहीं है की तुम स्ट्रोंग हो तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही रहने की जरूरत है योजन कहता है की तुम वो पहली स्ट्रेंजर हो जिस पर मैंने अपनी फैमिली के बाद सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया है इसलिए आज मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ कि तुम मेरी फैमिली बन जाओ युजंग लूना से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये सब सुनकर लूना बहुत इमोशनल हो गई होती है युजंग लूना से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी तो लूना कहती है कि की हाँ जरूर रिंग पहनने के बाद लूना युजंग को किस करती है अब ये सभी लोग लूना और युजंग को इनकी शादी के लिए कंग्रेचुलेन कहते हैं इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने के लिए स्टे कनेक्टेड